ये हैं आइबेक्स। आइबेक्स बकरियों की एक प्रजाति है। आइबेक्स 6 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। बड़े और घुमावदार सींग इनकी खास पहचान है। भूरे और सलेटी रंग के आइबेक्स का वजन 91 से 120 किलो और ऊंचाई 27 से 43 इंच के बीच होती है। वहीं आइबेक्स 3 फीट लंबे होते हैं। घरेलू बकरियों के पूर्वज माने जाने वाले आइबेक्स पश्चिम एशिया और उत्तर पूर्वी अफ्रीका के पहाड़ों पर पाए जाते हैं। आइबेक्स जंगली बकरियां हैं। खुर और लंबे सींग के साथ साथ इनकी दाढ़ी भी होती है। अल्पाइन आइबेक्स इनकी एक आम प्रजाति है। इनके नुकीले खुर चट्टानों पर चढ़ने और उतरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइबेरियन आइबेक्स के सींग सबसे बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 100 से 148 सेंटीमीटर होती है। नर और मादा अलग अलग झुंड में रहते हैं। अल्पाइन आइबेक्स स्टीन वॉक और बुकेन के नाम से भी जाने जाते हैं। आइबेक्स का अस्तित्व 3400 से 1800 ईसा पूर्व का बताया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार आइबेक्स के पास एक समय में पंख हुआ करती थे। इनके जादुई होने के बारे में कई मिथक हैं। राशि चक्र में भी देखें तो आइबेक्स को मकर राशि के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। न्यूबियन आइबेक्स कद में छोटे होते हैं और इनके सींग बेहद पतले होते हैं। 220 पाउंड वजनी अल्पाइन आइबेक्स 3 फीट ऊंचे और मादाएं इनसे छोटी होती हैं। वहीं वजन की बात करें तो इनका वजन 110 पाउंड का होता है। वहीं इनके सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और चट्टानों में रहने वाले आइबेक्स इथोपिया के 14,800 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वहीं न्यूबियन आइबेक्स लाल सागर और मिस्र की ऊंची पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बुल्गारिया के साथ साथ इटली और स्विट्जरलैंड में भी पाए जाते हैं। सन 2009 में पायरेनियन आइबेक्स का क्लोन बनाया गया, जो महज 10 मिनट तक ही जीवित रहा। पायरेनियन आइबेक्स प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। इनकी खुर इन्हें बेहद फुर्तीले बनाते हैं। खड़ी चट्टानों पर चढ़ना हो या फिर उतरना, ये सब कामों में माहिर होते हैं। ये स्थिर रहकर एक बार में 7 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकती हैं। झाड़ियां, घास और पेड़ों की पत्तियां खाने वाले आइबेक्स गहरी बर्फ से बचते हैं। बेहद चतुर और फुर्तीले आइबेक्स अपने शिकारियों को चकमा देने में माहिर होते हैं। बचाव में आइबेक्स अपनी लंबी सींगों से दुश्मनों पर वार करके उन्हें मजा चखा सकती हैं। भेड़िया, भालू, तेंदुआ, चील इनका शिकार करते हैं। मादाओं से संभोग करने से पहले नर आपस में लड़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। प्रजनन के बाद गर्भधारण काल का समय 6 महीनों का होता है। मादा एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। 1 साल तक बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। आइबेक्स पालतू जानवर नहीं है और इनका जीवन काल 20 साल तक का होता है।